टू जेनेक्स कंप्यूटर। जेनेक्स कंप्यूटर के इस फोटोशॉप के नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम किसी भी इमेज के बीच में से हम ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि आप देखना चाह रहे हैं कि इस फोटोशॉप के इस इमेज के अंदर ये जो हार्ट आपको दिख रहा है, इस हार्ट को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट किया है। देन इसी तरीके से एक और ट्यूटोरियल्स में इसी तरीके से ही लेके चल रहा हूँ ताकि आपको एक से ज़्यादा इमेजेस पे मैं बता पाऊँ कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को बीच इमेज में से भी डिलीट कर सकते हैं। और इसके लिए काफ़ी आसान सा तरीका दिया हुआ है एडोब फोटोशॉप्स के अंदर, जिसमें मेरे को कुछ भी मेहनत नहीं करनी है और धीरे से ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हट भी जाएगा और ये जो पीछे का बैकग्राउंड आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से ही दिखाई देगा और पता भी नहीं चलता है कि यहाँ ग्लास पहले रखा हुआ था या ये हार्ट यहाँ पर पहले बना हुआ था। इसके लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं, पहले इस टू इमेज पे मैं आपको करके बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग लासो टूल्स को यूज़ करेंगे। लासो टूल्स के अंदर मैं धीरे से इस इमेज के आसपास के एरिया को कवर करूँगा। जैसे इसका सिलेक्शन बन जाता है आसपास के एरिया का, हमारे पास दो ट्रिक्स होती हैं यहाँ से इसको रिमूव करने की। या तो आप शिफ्ट प्लस एफ़ फाइव प्रेस कर सकते हैं या फिर आप एडिट में जाके फील, यहाँ भी आपको दिख जाएगा शिफ्ट प्लस F5 इसका शॉर्टकट की है। फील पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने फील का एक विंडो ओपन होता है। यहाँ पे आपको कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट करना है, देन ब्लेंडिंग्स में आपको यहाँ पर नॉर्मल को सिलेक्ट करना है, देन कुछ भी नहीं करना है, देन प्रेस या और क्लिक ओके। आप जैसे ही क्लिक ओके करते हैं आप देखते हैं एक प्रोसेस चलेगी, जिस प्रोसेस के अंदर फील होगा और इस फील के अंदर एडोब के द्वारा बनाया गया शानदार कोट के थ्रू यहाँ से जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप, इसका हल्का हल्का सा बैकग्राउंड इस तरफ मर्ज होते जाएगा और यहाँ से ऑब्जेक्ट बहुत ही सुंदरता से डिलीट भी हो जाएगा और इस तरीके से हमें पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पर पहले कोई ऑब्जेक्ट था। बस थोड़ा सा समय लगेगा इसकी प्रोसेस में क्योंकि वो कोट के थ्रू चलता है। धीरे धीरे से यहाँ के बैकग्राउंड्स को वो धीरे धीरे से उस जगह पे मर्ज करता जाएगा, जिस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करके देख पाएंगे और देखेंगे कि यहाँ से पूरी की तरह, देखिए आप पूरी तरीके से यहाँ से ऑब्जेक्ट हट चुका है और बिल्कुल पता ही नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पर पहले कोई आर्ट बना हुआ था। आपको लग रहा होगा कि इस इमेज में मैंने कुछ ऐसा लिया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक इमेज और ली हुई है ताकि मैं आपको इसके ऊपर भी बता पाऊँ कि इसके ऊपर से भी हम, जैसे ग्लास आप देख रहे हैं ग्लास को मैं बिल्कुल आसानी से यहाँ से हटा सकता हूँ। इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस, मैं सीधे चल रहा हूँ, देखिए बिल्कुल लासो टूल से धीरे 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 मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते जा रहा हूँ। सिलेक्ट करते 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 मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, देन अगेन शिफ्ट F5। जैसे ही मैंने शिफ्ट F5 प्रेस किया आपके सामने यहाँ पर वही कंटेंट अवेयर, देन नॉर्मल एंड क्लिक ओके, फिर वही फील की प्रोसेस, देन कंट्रोल डी से रिमूव सिलेक्शन करके आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी हमारा ऑब्जेक्ट अब हट चुका है और एकदम फिनिशिंग से। तो इसी टाइप से आप कई सारी इमेजेस में बीच के ऑब्जेक्ट्स को इसी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं अपने वीडियोज़ ट्यूटोरियल्स में आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता रहूँगा। इसको सीखने के लिए आप मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब्स करें। थैंक यू।